हाय गाइज, कैसे हैं आप? एचआर विंटेज में आपका स्वागत है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं पाइनर का रैक सिस्टम है ये। इसमें आपको डबल कैसेट डेक, ऑटो रिवर्स फुल वर्किंग में है, रिकॉर्डिंग वगैरह सब चालू है, बिल्कुल न्यू कंडीशन एकदम पीस है ये। तो इसमें 90+90 का आपको 2 चैनल का एम्प मिलता है और 2 पॉइंट आपको इसमें सराउंड साइड के मिलते हैं, और इसमें आपको एक्वलाइजर मिलता है 7+7 में। जी हाँ, ये DSP में है। ये देखिए, ये DSP वर्किंग है पूरा। इसमें बेस भी मिलता है आपको, साउंड मिलता है, और ये सेंट्रल के क्लियर मिलता है और PGM ऑप्शन मिलता है। बाकी इसमें विविड, माइल्ड, शार्प और वार्म का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो अभी मैं आपको इसको प्ले करके दिखाऊंगा। इसमें AM/FM ट्यूनर है जो फुल वर्किंग है ये भी, और इसमें 6 CD चेंजर है ये। तो मैं आपको इसको दिखा दूंगा, 6 CD चेंजर को भी। ये मैंने इजेक्ट किया इसको, ये बाहर आ गया, ये देख सकते हैं 6 CD। ये इसमें 6 CD लग जाती हैं। ये देखिए, मैंने पहले ये लगा रखी है, ठीक है जी, और दूसरी ये लगा रखी है, और एक 6 नंबर पे मैंने लगा रखी है, ये देखिए। तो हम इसको प्ले करेंगे बारी बारी से। तो पहले हम इसको प्ले करेंगे टेप से। टेप से हम चेक करते हैं इसको पहले। तो मैंने इसमें कैसेट डाली हुई है, जैसे ये एक कैसेट मैंने ये डाली हुई है इसमें, ये तो इसी को हम प्ले करते हैं पहले। तो इसको मैं दिखा देता हूँ आपको प्ले करके। तो ये मैं प्ले कर रहा हूँ इसको। ये स्टॉप किया मैंने, अब इसका हम दूसरी साइड चलाते हैं। अरे झूठ तो कहते नहीं है, कहते नहीं है लो कोई। ये स्टॉप, ये मैं इसको अब हम रिवर्स में लाते हैं। तो ये रिवर्स हो गया स्टॉप। फिर ये हम इसको फॉरवर्ड देखते हैं इसका, तो ये फॉरवर्ड हो गया। इसी तरीके से हम ये चेक करते हैं। तो पहले हम इसको इधर चेक करते हैं। इसी तरीके से हम ये इधर चेक करते हैं। तो इसी तरीके से हम इसमें रिवर्स भी चेक कर लेते हैं। तो ये कैसे तो ये हमने इसको चेक किया है। अब हम इसका थोड़ा सा और इसका 1 मिनट, इसका भी थोड़ा सा रिवर्स चेक करना था। ये रिवर्स चेक कर लेते हैं। ये ऑटो रिवर्स में आ जाएगा अपने आप। ये भी चेक करना था, ये स्टॉप, ये ऑटो रिवर्स स्टार्ट हो गया। अब ये चल गया ना। तो ये हो गया दोस्तों। अब हम इसका देख लेते हैं रिकॉर्डिंग का भी। ये मैंने इसको रिवर्स कर दिया पूरा, और अभी हम इसको थोड़ा सा, ये रिकॉर्डिंग का मैंने स्विच ऑन किया, इस वाले पे रिकॉर्डिंग करेंगे हम। तो मैं इसमें गाना लगा रहा हूँ कोई, ये मैंने ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। ये रिकॉर्डिंग, ये प्ले हो गया। ये देखिए, आगे प्ले चल रहा है। तो ये
इसलिए मैंने इसको रिवर्स किया और अब प्ले करके देखते हैं रिकॉर्डिंग अपनी। ये रिकॉर्डिंग हमारी आ गई। तो रिकॉर्डिंग भी हमने चेक की, ये रिकॉर्डिंग हमने चेक कर लिया। अब हम इसके चलते हैं जी सीडी प्लेयर पे, और तो हम सीडी इसका चेक करते हैं। ये मैंने प्ले किया, इसमें एक नंबर डिस्क ने उठाया हुआ है। ये शोहरत भी ले लो भले छीन, ये एक नंबर में चल रहा था अभी, तो ये मैंने छह नंबर में भी लगाया हुआ है, छह नंबर आ गया। हीरे मोती, ये ट्रैक टू। फॉरवर्ड, तो ये मैंने आपको चेक करा दिया इसमें भी। अभी जो ट्यूनर है मेरे पास, सिग्नल यहाँ पर प्रॉपर नहीं रहता अंदर मेरे, जब क्या किसी को बाय करना होगा तो मैं इसको प्रॉपर बाहर रनिंग में ट्यूनिंग को करके इसको FM भी पूरा चला के दिखा दूंगा। बाकी फुल मिंट कंडीशन में है बिल्कुल एकदम, और परफेक्ट रनिंग में है। ये बैंड हो गया इसका, पूरा वर्किंग है, स्टेशन FM सभी वर्क करते हैं इसका। ए बी, ये मेमोरी का हो गया इसमें, एम स्कैन का हो गया, इसको हम ट्यूनिंग यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैनुअल कर सकते हैं, तो ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये बैंड आ गया इसका, तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो ये मैं आपको इसमें ऑक्स का जो लगाया मेरा वीडियो भी लगा हुआ है, ये भी आपको चेक करके दिखा देता हूँ मैं। तो दोस्तों ये आपने देख लिया अभी इसका वर्किंग पूरा,
अब ये किसी को बाय करना हो तो मैं इसको पूरी फुल रैक को देता हूँ 35,000 रुपये में, ओनली 35,000। अभी मैं इसको इसका साइड भी दिखा देता हूँ आपको। एकदम मिंट कंडीशन में है, कोई स्क्रैच वगैरह नहीं है, बिल्कुल साफ पीस है। ये देख ली, टोक्यो मेड इन जापान। वीडियो बहुत लंबा हो गया आज। ये देख सकते हैं इसमें स्पीकर के दो स्पीकर ये लगे स्टीरियो के, और दो ये हैं स्पीकर रियर के। इसमें दो स्पीकर रियर के लिए लगा सकते हैं लेफ्ट राइट, और ये आपका एंटीना और इसके लिए है। तो दोस्तों बहुत लंबी वीडियो हो गई है, धन्यवाद।